थैंक यू वेरी मच, बहुत 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 शुक्रिया थोड़ा सब का जनाब हंस राज हंस। ये आप क्लासिकल दे महान गवैये ने इन्हें सामने गाना बड़ा मुश्किल है, और मनमोहन भाजी साढ़े मेरा छोटा भाई मनमोहन वारिस कट्ठे वैनकूवर दिया रातां तने ते भाई देवी नाल नहीं भूल दियां, वो भी नहीं भूल दियां मामा वांगू, वो रातां भी नहीं भूल दियां। सो बहुत सारा थोड़ा बूटा मामा जी मेरे छोटे भाई जसविंदर बराड़ जी जिन्होंने थोड़े मेरे तो बाद थोड़ी खिदमत करनी है, बड़ी बुलंद आवाज़ के मालिक ने और थोड़े चहेते ने, और मैंने दो इजाजत दिए थोड़ा राम जी का गिड्डा भावें पुट्ठा भावें सीधा चंगा लगे ताड़ी मार दो, नहीं चंगा लगे ताड़ी जदों बैठे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। थैंक यू सो मच जी। जनाब सरदूल सिकंदर साहब सुरां दे सिकंदर, इन्होंने एक बार जोरदार तालियां मार दो जी। मां जिहा कण शामा बूटा मैनू जग विच नजर ना आवे, मामा दी तारीफ मामा दे प्यार दे विच गुड़ोच गीत आपके सन्मुख पेश किया है। तो मैं गुजारिश करदा साडे इस जगतारपुर बन्ना यादगारी मंच के सरप्रस्त पद्म श्री जनाब हंसराज हंस जी, मनमोहन बारस जी, बूटा मुहम्मद जी, जसविंदर बराड़ जी और मनजीत सोल जी सरप्रस्त, वह भी स्टेज पर तशरीफ लैके आए। अजमेर सहोदा जी प्रधान साहब, अजमेर सहोदा जी कार्यकारी प्रधान, वह भी मंच पर आएंगे ताकि जनाब सरदूल सिकंदर साहब का सन्मान किया जा सके। मंगल अठौला जी उन्होंने भी गुजारिश है, औजला साहब भी उन्होंने नाल आने जी, नरेंद्र बंगा जी स्टेज पर विराजमान ने, जनाब सरदूल सिकंदर साहब का सन्मान ऑनलाइन नाल दी नाल। इस तो बाद साढ़े बहुत ही अच्छे फनकार अमरीक सिंह जी गाजी नंगल, क्या बात है, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिता गया, एक बार तालियां मार दो जोरदार जी। जनाब सरदूल सिकंदर साहब को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड, क्या बात है, शरशार किया इन्होंने अपनी मस्त गायकी के नाल। कुंदन सोल साहब वह भी नाल आने की कृपालता करन जी। दिनेश बाजी मां बाजी क्या बात है, सम्मान किया जा रहा जी जनाब सरदूल सिकंदर साहब का, तालियां मार दो जोरदार जी, क्योंकि यो संगीत के दर्शन करवाए ने, एक बहुत पक्की कलाकार ने जिन्होंने वख-वख आर्टिस्टां नूं आपके सन्मुख पेश किया, और बड़ा आनंदमय संगीत, बड़ा प्यार, और इस दे नाल ही ठीक है जी। अमरीक सिंह गाजी नंगल वो आपके रूबरू जो रेडियो के अप्रूव्ड कलाकार ने, एक क्लास दे आपके रूबरू दो गीतों के नाल हाजिरी देंगे, तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करदा जनाब सरदूल सिकंदर साहब का। एक बार तालियां मार दो जोरदार जी सुरां दे सिकंदर, क्योंकि ये जगतारपुर बन्ना यादगारी मंच का मेला अज सफल सफलता दी पौड़ियां पार करता जा रहा, जिस दे विच उच्च कोटी के फनकार जिन्होंने हाजिरी दी है। जसविंदर बराड़ म्यूजिक परिवार को बेनती है, वो अपने साजिल कह लो जी, हाँ जी हाँ जी, उन्होंने तो पहला हीला वसीला, हाँ जी हाँ जी ठीक है जी, जसविंदर बराड़ जी वो अपने बोलों के नाल। उन्होंने वर दिता सी पुत्रा जे तू मेरे गीत इन्नी मेहनत की है कि जदों गीत गाया करेगा लोगों को तेरे विचों साड़ी महक आया। तेरे ही करारा मैनू पटिया, तेरे ही करारा
ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪੱਟਿਆ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਟਿਆ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪੱਟਿਆ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਏ ਕਿ
सानू थोड़े जिया तरजिया तुंबी दिया सुना दो भाई जरा के अपने साढ़े ढोलिया जरा कला लेंदे हो साज तुंबी सुनाई महापुरशा ने यार सतगुरु नानक तेरी लीला न्यारी है जग दे चानना तू मुख ना लगा टाइम समाप्त है महापुरुषों का बहुत बहुत धन्यवाद है हंसराज जी हंसराज जिन्होंने एड्डी वड्डी महान कलाकारों में मेरे जीरो ने कलाकार की हाजिरी लवाई धन्यवाद है आओ गज के बुलाइए फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की तो हेलो प्लीज भाजी एक मिनट हेलो बहुत मेहरबानी जी साढ़े बहुत ही आदर सत्कार अमरीक सिंह गाजी नंगल जी ने कुछ तालियां मार दो जोरदार जी और हसन हसाउन की दुनिया में प्रवेश करिए थोड़ा हसन हसाउन वाल जाइए उस दौर वाल जाइए साढ़े बहुत ही अच्छे फनकार टोचन हीला जी उन्होंने गुजारिश कर दें जब तक साज लग दें हेलो हेलो सब तो पहले छोटी सी कलाकारा वालों साड़ी छोटी सी पार्टी वालों उस परमात्मा उस वाहिगुरु उस दाते की रजा लेते हुए फतेह बुलाइए वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह साढ़े सत्कार योग सूफी गायक जगतार परवाना जिजादगारी सभ्याचारक मेला करवाया जा रहे जो सरप्रस्त ने जिन्हें सबका इस प्रोग्राम के आने का मौका मिले बहुत सारा मान के सत्कार मिले असि शुक्रगुजार जी राज गायक जनाब हंस राज कमेटी के अंदर जिन्हें भी सत्कार योग हसिया विराजमान ने साडे मीडिया मूवी मेकर फोटोग्राफर्स अखबारों को जिन्हें भी साढ़े सत्कार योग पत्रकार साहबान आए हैं एक एक हस्ती ने असं जवाया कहने जिन्हें भी कलाकार मेरा तो आता ही नहीं जी क्योंकि अज मैं आपदे आप ये महसूस कर दी कि हीरिया की खाण च एक कोहले ने जगह दी मैं बहुत कलाकार मिले स्टार तो स्टार मिले पर एक फीमेल कलाकार के नाते जो अदब से सत्कार मिलया वो जनाब हंसराज हंस जी ने दिता ये मैं दावे ना क्यों कहनी है क्योंकि हमेशा कितना कितने मैं फीमेल सिंगर करके अगे पिछे किया जाता तो मैं उस दाते की शुक्रगुजार हाँ कि इन्ने सुरीले इन्ने महान कलाकारों के अंदर मैंने बुला के मेरा आना ही बहुत वड्डी गल है जी हाजिरी लाना था मैं सोच नहीं सकती जब सरदूर साहब जा रहे थे उदो पहला इन्ना वधिया मौका सी हंसराज मीह पै रहे गा रहे थे तो मैं सामने बैठी भमत्री पई सी भी वाहेगुरु तू मैनू ये भी टाइम देना सी कि मैं इन्ने महान कलाकारों सुनना मुकद्दर में लिखा तो मिल जाएगा मौला मुकद्दर में लिखा तो मिल जाएगा मौला वो चीज़ अदा कर जो मेरे मुकद्दर में नहीं परमात्मा ने मैंने वो चीज़ अदा की थी जो मेरे भागा से जिन्हें सुरेले कलाकार जिन्हों के अंदर मैं बैठ के सुनने का मौका मिले फिर सत्कार जो दिता साढ़े वीर जी मुहम्मद बूटा का एक ही खासी दी मैं शुक्रगुजार हाँ मैं रात को भावे 12 बजे साईं जी टाइम दे देंगे मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं सी सराबे शहीद जगतार सिंह सराबा नगर के अंदर मेरा कल का प्रोग्राम है होर कोई कलाकार भी नहीं भी आप उन्होंने ला देंगे इसलिए जो मैं 15-20 मिनट काली की तो उस चीज़ की मैं माफ़ी मांगती हूँ साढ़े सियाने कहते हैं कहते कोई भी शुरुआत करनी हो तो उस दाते की रजा का लेना बहुत जरूरी दो लाइना उस परमात्मा उस वाहिगुरु उस दाते के ना उस बाद नवे पुराने गीतों का राग भैन नानकी का वीर तन मन का फकीर नहीं वो जोगियों का जोगी तो पीरों का पीर करतार सिंह फकीर
बाबा विश्वकर्मा जी के दुगनी राज चौक ने तरक्की बख्शी जो कलाकार की आवाज में कना दे सरूटे के कना तक पहुँचा रहे हैं। शुक्रिया मेहरबान। रखदे सब तो अमीर भैन नानकी दा वीर तन मन दा फकीर नियो जोगियां दा जोगी ते पीरां दा पीर भैन नानकी दा वीर। इस जिस परमात्मा उस वाहिगुरु उस दाते दी रजा परमात्मा ने शक्ल सूरत मैंने बड़ी सादी जी बख्शी सी पर जिहड़ी मथे दी लकीर है बड़ी खूबसूरत थी। साढ़े सियाणा दा कहना है जदों कहिंदे परमात्मा इहनू खूबसूरत कर दे उदों मेरे वर्गे सादे मरादे चेहरे भी दगण लग जांदे। कहिंदे जदों आह बड़ूप हो जाए यह बेशकली हो जाए उदों कोई नहीं पुछदा। फिर मैं सोहणियां तो सोहणियां मूर्तां मिट्टी च मिलदियां वेखियां। कहिंदे जिस इंसान की किस्मत खूबसूरत है उहदियां सारियां कमियां उहदे चानण हेठ लुक जांदियां ते किसे नूं नजर नहीं आती। कहते किस्मत कदों खूबसूरत बनती है जो बंद को दो चीज़ा खूबसूरत ने एक बंद की सोच एक बंद के कर्म यह दोनों रल के बंद इन्ना खूबसूरत बना दें कि दुनिया छड़न तो बाद भी सुंदरता के चर्चे ये दुनिया करते हैं। बाकी मुठ्ठी तो जीभ ने साढ़े सियाने कहते हैं हमेशा समा देख के खोलो। जो लोग मुठ्ठी तो जीभ को बेवक्ता खोल देते हैं वो ऐसा पिलकते हैं फिर कोई सारी उम्र चक्कर आ नहीं जाता। किसी शायर ने बहुत वधिया लिखा है कि मुठ्ठी बंद की लोगों बड़ी कीमत मुठ्ठी बंद की लोगों बड़ी कीमत इज्जत से परदा रहे तो चंगा है। मुठ्ठी बंद की लोगों बड़ी कीमत इज्जत से परदा रहे तो चंगा है। कहते वेला मन शैतान का घर हों वेला मन शैतान का घर हों बंदा काम करता रहे तो चंगा है। मुठ्ठी बंद की लोगों बड़ी कीमत इज्जत से परदा रहे तो चंगा है। कहते वेला मन शैतान का घर हों वेला मन शैतान का घर हों बंदा काम करता रहे तो चंगा है। किसी ने याद करके रों च बड़ा स्वाद आता किसी ने याद करके रों च बड़ा स्वाद आता कदे कदे आ दिल भरता रहे तो चंगा है। कहते बंदे को मंगना होंदा मौत बराबर गुआढ़िया जो सब्जी की कौली लैन जानी पावे ना एक पैर अगे जाते दस पैर पिछे जाते बंदा अपनी हद तक सोच रहा
पर अर्थी ते पहुंचन तक बंदा परमात्मा तो आपके अल्लाह उस वाहिगुरु तो मंगता ही रहता है। तो एक बार ये नहीं सोचता कि यार बहुत मंग लिया हूँ बस कर, परमात्मा तो मंगता कदे संगता नहीं, तो बंदे तो मंगता बंदा मरता। कहते पहला वह मर गया जिहड़ा मेरे वर्गा मंगन निकलिया, उदो बाद वह मर गया जिन्हें मंगन गए ने ठोकर मारे। बंदे को मंगना हुंदा मौत बराबर, रब वल्लों ही सरदा रहे तां चंगाई, दाते वल्लों ही सरदा रहे तां चंगाई, रब वल्लों ही सरदा रहे तां चंगाई। सारे नवे पुराने गीतां दा दौर, कोई भी इंसान कोई भी कलाकार परफेक्टली हुंदा इस काम करदे, बहुत गलतियां हुंदियां ने, उन्हां सारियां गलतियां दी माफी। सब तो पहला सोचे यार बिना मेरा जी नहीं लगता कली दा, मेरे सीने बढ़ते यादा दे अंग्यारे, मेरे सीने बढ़ते यादा दे अंग्यारे। कहते रोटी रुखी नहीं होनी चाहिए भावे मिर्च नूं ना ही होवे, समा भी सच यार बिना मेरा जी नहीं लगता कली दा, Let's go!
ਮੇਰੀ ਜਿਸ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਸੋ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਇਸ਼ਕ ਮਾਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਮੈਂ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘੜਾ ਚੰਗਾ ਮੰਗ ਮੈਂ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਹਾਨੀ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਹਾਨੀ ਉਸ ਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਮੰਗ ਮੈਂ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਹਾਨੀ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਹਾਨੀ ਉਸ ਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਚੰਗਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲ ਅਟਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲ ਅਟਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਅਬਦੁਲ ਫਕੀਰ ਦਾ ਖੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੀ ਔਰਤ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਵੇ ਪੱਲੇ ਮਾੜੀ ਔਰਤ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਵੇ ਪੱਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਜੇ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਮਰਦ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰਤ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਤਾਂ ਬਚਦਾ ਮਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦ ਵੀ ਸਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਦੁਚਿੱਤੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਤੱਤੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦਨਾਨੀ ਦੇ ਦੋ ਲੱਗ ਜਾਣ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਝੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਪਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਰਾਕਸ਼ਸ ਹੈ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕੁੱਟਣਾ ਜੇ ਉਹ ਜੀ ਕੰਧ ਕੁੱਟਤੀ ਉਹ ਜੀ ਜਨਾਨੀ ਕੁੱਟਤੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਬਿਮਾਰੀ ਠਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਨੂੰ ਦੋ ਕੁ ਪਚਾਹ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਆ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਉਹੀ ਦੋਸਤ ਉਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਗੋਲਾ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖਬਰ ਨਾ ਸੱਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਹਥਿਆਰ ਦੂਜਾ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੀਜਾ ਕੌਲੀ ਚੱਟ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਨਭਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਨਭਾਉਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸਾਡੀ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਹਥਿਆਰ ਦੂਜਾ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪਿਆਰ बच्चा है काफी देर का इतने स्टेज के कोल बहुत रो रो के बिदल हो गया बच्चा ये हालत देख सकते हैं ये मम्मी ये डैडी जिथे मेरी ये सूचना सुनते हैं तुरंत आ जाए डरना नहीं बच्चा मैं मसी स्टेज से चक रहा कि है चढ़ना नहीं स्टेज पर इन्ना डर गया है प्लीज जिथे ये मम्मी डैडी है वो स्टेज पर आ जाएंगी बहुत मेहरबानी डैडी तो चार कदम भावे पास चलिया जाए पर माँ तो नहीं पास जाती ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦੂਲ ਸਾਹਿਬ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਲਓ ਸਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਲਯੁਗ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਸਤਯੁਗ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਲਯੁਗ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਖੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦੌਲਤ ਕੀ ਭੁੱਖ ਲਗੀ ਤੋ ਕਮਾਨੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਦੌਲਤ ਕੀ ਭੁੱਖ ਲਗੀ ਤੋ ਕਮਾਨੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਪਾਸ ਬੈਠਨੇ ਕੀ ਫੁਰਸਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਦੌਲਤ ਕੀ ਭੁੱਖ ਲਗੀ ਤੋ ਕਮਾਨੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਪਾਸ ਬੈਠਨੇ ਕੀ ਫੁਰਸਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜਬ ਫੁਰਸਤ ਮਿਲੀ ਤੋ ਕਿਆ ਹੁਆ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਕਮਾਨੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਕਮਾਨੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਕਮਾਨੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸ਼ੁਕਰੀਆ Oh,
जिन्हें भी रिस्पेक्ट सत्कार योग शिक्षक इस पंडाल के अंदर विराजमान हो रही है जिन्हें भी सत्कार योग हसियां उन्होंने साड़ी जी आए कहते बहुत बहुत वेलकम है जी साडे विचार साडे मेले के मुख मेहमान चीफ गेस्ट साडे बहुत ही सत्कारत पंजाब सरकार दे रूहे रवां सरदार बहादुर सरदार सरबण सिंह फलौर जी तशरीफ फरमा हुए ने एक बार उन्होंने नाम से जोरदार तालियां मार दो जी पंजाब सरकार साडे विचार चल के आए ने असीं उन्हां दा बहुत बहुत वेलकम करते हैं जगतार परवाना यादगारी मंच वालों जीवन का स्वागत दिल की गहराई तो उन्होंने पूरी समुची टीम जीवन मोस्ट वेलकम जगतार परवाना यादगारी मंच अठौला वालों सरदार बहादुर सरदार जगतार सिंह साडे सरबण सिंह फलौर साहब का मोस्ट वेलकम जी थैंक यू सो मच जी तालियां मार दे जोरदार जी उही आवाज उही अंदाज तुहाडे जोरदार तालियां विच बीबा जसविंदर बरा हाँ जी जिन्हें भी वी आई पी हस्ती पंडाल के अंदर विराजमान हुई ने अज के सभ्याचारक मेले के दौरान समूह कमेटी मैंबर्स उन्होंने जया कहते हैं किसी शायर ने बहुत वधिया लिखे है कहते कुर्सी मेज तो भावें है छोटी कुर्सी मेज तो भावें है छोटी पर मेज तो वध पूजी जाए कुर्सी कुर्सी मेज तो भावे है छोटी पर मेज तो वध पूजी जाए कुर्सी कहते बंदा बंदे नहीं पछाणदा बंदा बंदे नहीं पछाणदा ऐसा नशा चढ़ाए कुर्सी कुर्सी मेज तो भावे है छोटी कुर्सी मेज तो भावे है छोटी पर मेज तो वध पूजी जाए कुर्सी कहते बंदा बंदे नहीं सियाणदा बंदा बंदे नहीं सियाणदा ऐसा नशा चढ़ाए कुर्सी कहते कुर्सियों लथे वजीर जो पुछिए कुर्सियों लथे वजीर जो पुछिए बस इको गल आखे कि हाय कुर्सी हाय कुर्सी हाय कुर्सी हाय कुर्सी हाय कुर्सी कहते कुर्सी के विराजमान होना भी औखा तो एक कुर्सी में छड़ना भी औखा जेडे बिच बिच गोडे गोडे सड़ते हैं ज्यौते रहन हमेशा अपने पॉजिटिव थॉट का नाल हर एक वैरी का हर एक माड़े वक्त का जवाब दो हाँ जी वसते रहन चुबारे सब दे राजी रहन सहारे सब दे वसते रहन चुबारे सब दे राजी रहन सहारे सब दे दुश्मन तो भी दूर हमेशा आंदी माड़ी भला करें दाता सब दा 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 भला Thank you.
खाड़े सोहदे नाल सजंदियां दे ते तालियां रल के तालियां वजदियां ने। खाड़े सोहदे नाल सजंदियां दे ते तालियां रल के तालियां वजदियां ने। कहिंदे बुझदी प्यास ना रेतले टिब्बियां दी, बुझदी प्यास ना रेतले टिब्बियां दी, खाली बदलियां जिन्हां ते वरदियां ने। कहिंदे टौर सत्थां दी मर्द बणावदे ने, टौर सत्थां दी मर्द बणावदे ने, ते पर्दे घरां दे नारियां कजदियां ने। ढलदी उमर नूं इश्क वंगार वरगा, ढलदी उमर नूं इश्क वंगार वरगा, ते चढ़दी उमर नूं यारियां सजदियां ने। चढ़दी उमर नूं यारियां सजदियां ने, चढ़दी उमर नूं यारियां सजदियां ने, चढ़दी उमर नूं यारियां सजदियां ने। गंदे लीड़े टुटे बीड़े हुए पिंड दे लोकां शुक्रिया मेहरबान। कहते छला जो जीभ ते आ जाता तो गुरदास मान साहब का चेहरा सामने आ जाता,
छला गुरदास मान साहब तो जो जुगनी आती है उदो जुगनी पाकिस्तान की। पर सही मायने च बहुत बिरले लोगों को पता है कि छला जो गाया जाता तो आप सोच लें जो उंगली च पाया छला ये छल राइटर ने छला उंगली च पाया छला लिया तो लिखता। पर सही मायने च छला ना चांदी का ना लोहे का ना तांबे का ना सोने छला एक प्यो का दर्द है सही से जला मला जो हरी के पत्तन बेड़ी पूरिया करता एक बेटा से छला जिथों छले के लफाज लिखे गए तो जिथों छला गाया गया की होया छले की माँ छोटी उम्री छले छड़ के स्वर्गवास हो गई तो जले मलाह को ही साधन है नहीं से वो जदों बेड़ी पूरता से तो अपने बेटे नाल ही लेके चले वक्त गुजरता गया तो छला हौली हौली जवान हो गया 15-16 साल का हो गया। एक दिन की होया जले मलाह की सेहत ठीक ना पर कहते रुजगार का लालच उन्होंने पत्तण ते फिर खिंच के लै गए। हुण जला मलाह है जिहड़ा बुखार च सुता पिया ते नाल ही उहदा पुत्तर बैठा। हुण सवारियां जदों नेड़े नेड़े पिंडां चों तुर के आईआं क्योंकि उन्हां टाइमां दी गल है जदों कोई बस गड्डी जां स्कूटर मोटरसाइकिल दे साधन नहीं हुंदे सी लोक या तां घोड़ियां ते चढ़ के आउंदे सी जां राजस्थान वाल ऊठां वाल इधर जां पैदल चल के आउंदे सी। जदों सवारियां आईआं ते जले मलाह नूं उठाया कहिंदे उठ भाई बेड़ी पूर सानूं परले पत्तण छड्ड के आ। तो जला मला कहिंदा सी मैं तां नहीं अज जा सकदा मेरी तां सेहत नहीं ठीक। कहिंदे भाई किवें नहीं जा सकदा असीं तां शामां नूं आईआं ते जे तू बेड़ी ना पूरी तो पिंडा नूं जांदियां जांदियां सानूं तां कोई बहनेरा हो जाणा ते साडा कौण वाली वास। इस तरह जले मलाह च सवारियां च बहस चलती रही ते एक दी निगाह जले मलाह दे पुत्तर छले ते जा कहिंदे जलिया जे जट दा 16 साल दा पुत्तर हल्दी मुन्नी ना फड़ू तां कदों फड़ू जे सुनियार दा 16 साल दा पुत्तर हाटी ते बह के तोला मासा ना करूँ तां कदों करूँ जे बाणिए दा पुत्तर 16 साल दा गद्दी ते बह के तकड़ी दा बोता ना फड़ू तां कदों फड़ू ते तेरा पुत्र जवान है इनू कह बेड़ी पूर। वो कहते जी इन्हें बेड़ी नहीं पूरी कहते अच्छा परमात्मा राखा इनू कह बेड़ी पूर। जले ने डरते डरते छले नू कहा कहता जा पुत्र बेड़ी पूर ले। बहुत ही आदर ते सत्कार योग जगतार परवाना दे नां ते जिहड़ा सभ्याचार ते प्रोग्राम करवाउंदे सारी प्रबंधक कमेटी पिंड दी पंचायत और सारे सहयोगी सज्जन ते आए हुए बहुत ही नामवर कलाकार राज गायक हंसराज हंस जी भी जिहड़े इस सारे प्रोग्राम नूं अडोप्ट करते हैं वह भी आए हुए ने ते मेरे नाल सारे साढ़े अकाली दल के आगू साहबान चेयरमैन साहब और गुरजिंदर सिंह जी गुरदीप नागरा जी हाजरीन सारे बीबीओ बच्चे नौजवानों वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। रुकावट के लिए खेद है वो थोड़ी जी रुकावट आई सी दूर हो गई है तो कलाकार बड़े चोटी दे आए हैं परवाना की याद के विच ते बड़े अच्छे कलाकार भी तुहाडा मनोरंजन कर रहे सी पर थोड़ी जी रुकावट आ गई है तो इस मेले से मैं तुहानू बधाई देने लई आया तो धन्नवाद करने लई आया कि इस पिंड तो कलाकार जगतार परवाना जिहड़े हाले कला के रूप में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करना सी समाज लई पर वो पूरा कर नहीं सकिया पर तुहाडा धन्नवाद है कि जिहड़ियां कीड़ियां उहदियां कमियां रह गईयां तुसीं हर साल इत्थे चोटी दे कलाकारां नूं लिया के वह कमियां पूरा करदा जिहड़ा जतन करदे हो उपराला करदे हो तुसीं बधाई दे पात्र हो तुहाडा धन्नवाद है। ये कला जिहड़ी आ हर व्यक्ति च नहीं हुंदी ये रब दी देण आ ये टैलेंट किसे किसे दे विच परमात्मा दिंदा तो उस टेलेंट नूं किवें पेश करना यह रब की दात आ। हुण हंसराज हंस जी कौन कहिंदा सी कि राज गायक बन जूगे किसी वेले ये परमात्मा की कृपा दे नाल ही सारा कुछ ये मिलदा इसलिए इस टेलेंट नूं तुसी जो लोगों पबलिक पहुँचाते हो उहदे लई धन्नवाद आ तुहाडा
और ये म्यूजिक जड़ा जिन संगीत कहने ये भी सियाने कहते होंगे सी रूह की खुराक आ रूह की खुराक हर व्यक्ति दे विच कोई ना कोई उन्हें शौक होंगे भावे वह बाथरूम से थोड़ा बहुत गावे उन्होंने मन च शौक होंगे तो मनुख की जदों बंदा जन्म लेंदा ना तो मौत ते ही चलता संगीत जदों बंजा बच्चा जन्म लैके रोंदा है तो वह भी संगीत ही आ वो भी संगीत ही आ वातावरण सारा संगीत ही आ पशु भी जेडे जानवर आ वह भी संगीत नूं प्यार करते अगले सुनते होंगे ना जिहड़ा सापिया किन्ना जहरीला हुंदा पर जो बीन वजदी है तो बीन दे नाल पटारी च बंद हो जाता यह भी संगीत है इसलिए ये हर मनुख दे विच शौक होंदा इहनूं सुणदा ते वातावरण भी सारा संगीत आ ते संगीत दे नाल भाई आपां भी अपने मनां दे विच संगीत सारे वसाईए आपसी प्यार सद्भावना एकता बना के सारे रखिए प्यार दे नाल रहिए यह भी एक संगीत आ ता ही साडी जिहड़ी जिंदगी आ उह संगीतमई होएगी जे लड़ाई झगड़ा रहेगा तो संगीतमई जिंदगी ना होई तो फिर भी वह जिंदगी का जिहड़ी असल मजा वह नहीं फिर रह सकता इसलिए मैं बहुत कुछ नहीं कहना क्योंकि मेरे प्रोग्राम बड़े से मैं पहला आना चाहता सी सरपंच साहब मैं लेट हो गया थोड़ा जहा तो फिर भी थोड़ा धन्यवाद तो आस करता कि इस तरह जगतार परवाने तुम जो याद करके जो उन्होंने इस समाज में एक छोटे घर चो उठ के एक एड्डा बड़ा अपना नाम बनाया वो तो बधाई है धन्यवाद है तो इस तरह आप उसकी याद में होर अगे तोरीए तो समाज के संगीतमई जी तर्जा वो छेड़िए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू सो सतविंदर अपना सम्मान भी लैन तो फतेह सिंह सोहल होना का भी सम्मान उन्होंने दिता जाना है साडे प्रधान ने यूके दे विच फतेह सिंह जी सोहल जिन्हां की बहुत वड्डी देन है कुलवंत सोहल जसवंत सोहल हाँ जी फलोर साहब हाँ जी इन्हों का सम्मान हाँ दस्तारबंदी चो जिन्होंने पहले मुकाबला जितया बेटे नाल हाथ लवाओ अंकल जी उन्होंने हाथ लवाओ गया जी वह इन्होंने फड़ा दो ठीक है जी बंगा साहब प्रधान साहब होना का भी सम्मान उन्होंने भतीजे के फतेह सिंह सोहल होना जो कि उन्होंने सम्मान भी इस बच्चे दिता जाए हाँ सो भी बहुत ज़्यादा मेहरबानी हीला वसीला जी वह भी अपना सम्मान लैते भैन जी जसविंदर बराड़ जी प्लीज़ आ जाओ तुम अपना सम्मान लो भैन जी जसविंदर बराड़ जी हाँ चलो बेटे ओके ओके हाँ जी लै ओके जी थैंक यू भैन जी जसविंदर बराड़ जी प्लीज़ नागर साहब तुहाडे पिछे ने भैन जी उन्होंने अगे आ गुरदीप नागरा जी गुरदीप सिंह जी नागरा पानी विच भी दिल हुंदे ने मावां दे जिहड़े पानी सिरां तों वारे हुंदे ने जिउंदे रहो वसदे रहो जवानियां मानो जी सदके पर धीआं दे भी बड़े सहारे हुंदे ने इह पंजाब दी धी जसविंदर बराड़ जिन्हां ने बहुत वधिया परफॉर्मेंस दित्ती है हीला वसीला जी उह भी अपना सन्मान लै लैण टोचन हीला जी प्लीज़ बहुत मेहरबानी जसविंदर बराड़ जी जिंदे रहन इन्हों की इन्हों का गीत सगा मेरा ख्याल इन्हों का गीत सानू आशीर्वाद दे गया सारे एक बार तालियां मार दो इन्होंने जोरदार कि सारा पंजाब सारी पंजाबी सारे नगर निवासी जिंदे वसदे रहन इन्नी भयानक हादसा हो सकता जी पर प्रेस वाले बेनती है भी मार दो जी पोटू शाह काके शाह इन्हों की प्रोडक्शन है जिन्होंने इन्ने व्डे कलाकारों सन्मुख किया बहुत ही अच्छे मेरे वीर ने हैप्पी मनीला जी को इन्होंने जोरदार तालियां मार दो जी हीला वसीला इन्हों बहुत सारिया मार्केट में टेप्स आई ने भूला साड़ी मर्दी बकरे के मीट के कड़ी चौल भी इन्हों की टेप है जिसका जिक्र दोबारा दोबारा सरदूल भाजी करके गए स्टेज पर और सुपने के मेरे भूतों के साडे चेयरमैन साहब उन्हों का सन्मान सो पहला सन्मान सरबत सिंह जी फलौर साहब हलका विधायक करतारपुर हाँ उन्होंने सम्मान देंगे हाँ जी चेयरमैन साहब भतीजा साहब वो उन्होंने तो अपना सम्मान लैणगे गुरजिंदर सिंह जी भतीजा चेयरमैन मार्केट कमेटी जलंधर शहर फलौर साहब उन्होंने सम्मानित कर रहे हैं नाल गुरदीप सिंह जी नागरा साहब नरेंद्र बंगे नाल होवो अजमेर सहोता जी मंगल अठौला जी साई राणा जी हाँ जी गुरदीप सिंह जी नागरा वो भी अपना सम्मान लैणगे फलौर साहब तो और मनजीत सिंह सोहल जहेदर कुंदर सिंह जी बगोता साहब वो अपनी रस्में अदा कर रहे हैं
लिंब सिंह धालीवाल कनेडा तो पहुंचे निकी जी हाँ असं आखते हैं। हाँ जी हाँ जी बंगा साहब नैक्सट सोहन मंत्री ने अजमेर सहोता जी उन्होंने नाल है भी सारे की फोटो आ जाए जरा खुले जे हो जाओ। सरपंच अजमेर सिंह जी नहीं सम्मान नहीं पैसे कहते ना बोल। हाँ जी हाँ जी ठीक है जी। हाँ जी हाँ जी सो सरपंच फलोर में बहुत बहुत धन्यवाद है जी भाजी थोड़ा क्योंकि बड़ा कीमती समान नागा साहब थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है जी वो कर दिता बेटी कर दिता। हाँ जी थैंक यू जी सो बड़ी मेहरबानी। हाँ जी मंदिर थोड़ा जी लाओ जी। अच्छा सफी पर यह साढ़े हाँ सरप्रस्त हंसराज हंस जी उन्होंने ग्राई ने उन्होंने परिवार के बच्चों ने बहुत अच्छी गायकी मरीद ने। गोपाल ठाकर बंगा साहब इतने बच्चे बुलाओ बच्चे आ जाओ भाई गोपाल ठाकर और रितु बाला सहोता जी सो दोनों बच्चे आ जाए भी जे इतने हो हाँ उन्होंने बिहाव से फिर सो हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। ओके जी बंगा साहब ठीक है जी फलोर साहब बहुत बहुत धन्यवाद सर साडा अच्छा मंच संचालन का कमाल की गल चेता आया भी साडा क्या बात है क्या ले भी हुण कुलदीप चुंबर जी। हाँ जी तुसी अपना लै लो तो मेरा फिर तुसी बोल दियो। हाँ जी हाँ जी हाँ रितु बाला सोता ओ भाई स्टेज पर उन्हें मेरे ख्याल आई नहीं बंगा साहब फिर बाद कर दियो। सो कुलदीप चुंबर जी आओ तुसी अपना सम्मान लो जी। हाँ फलोर साहब उन्होंने को सो फलोर साहब के कोलो सम्मान मिलने बहुत वड्डी गल है। नागरा साहब होना बहुत ही अच्छी परसनैलिटी है बहुत सारा मान पान करते हैं। हाँ जी चुंबर साहब क्या बात है गुस्ताखी की माफी है साढ़े तीरथ सपरा साहब उन्होंने सम्मान किया जा रहा मामा धियां मेलना पे पुत बराती एक बार ताली मार दे जोरदार जी। और साढ़े लाखा स्टूडियो जेडे इस प्रोग्राम लखा लखा स्टूडियो जेडे इस प्रोग्राम सवेर तो रिकॉर्ड कर रहे हैं स्टिल एंड वीडियोग्राफी के नाल बहुत बहुत रितु जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। साढ़े ऑफिस बेर जिन्हें तशरीफ फरमाए जसपाल सिंह जी धुआंखे जगीर तो उन्होंने बहुत बहुत वेलकम है जी मैंने कहा स्वागत क्या बात है पहला की बदमाशी बड़ी ठोक के नहीं हूँ कम छे हुए ये छे रखी खरी देनी गल ताली मारो एक बार जी जोरदार तालियां मारो। पिछले साल मैनू याद है बूटा मुहम्मद जी मंच आए बाबा जी आयो जी महाराज जी आयो सरकार मोतिया वाली पीली सरकार आ जाओ तालियां मार दो जोरदार जी। जनाब बूटा मुहम्मद जी उन्होंने उस स्टेज पर परफॉर्म करना मेहरबानी जी। सो एक बार फिर तो थानू सारे बहुत बहुत मुबारक इस मेले दियाँ क्योंकि हर साल की तरह अज का दिन बहुत भागा भरिया मुबारक भरिया है। सो एक बार अपने लिए ताली लगा दो खुल के जोरदार ताली इधरली शहर से साड़ी भैन बैठिया ने भैन जी थानू कह रहे मेरे वर्गे वीर है तुहाडे खुल के ताली लगाओ यार बहुत मेहरबानी। सो बहुत ही सत्कारयोग बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी एक बार फिर तो जनाब हंसराज हंस साहब बहुत बहुत मुबारक जी थानू सारे बूटा भाजी बूटा मुहम्मद साहब सरदूल भाजी मरमोन वारस जी पंजाब दी बहुत ही नेक पर्सनैलिटियाँ अज इस मंच तो हाजिर होके गए हैं और बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी साढ़े बंगा साहब। सो जिन्हों के हुक्म सदका थोड़े सारे के चरणों के बिल्कुल हाजिर होने का मौका मिले जिन्हें भी पत्रकार साढ़े वीर पहुंचे ने क्योंकि कलाकारों की दिल की धड़कन होंगी है पत्रकार साढ़े वीर। सो बहुत बहुत मुबारक साढ़े तीरथ भाजी आह क्या बात तीरथ जी चुंबर साहब मेरा वीर चुंबर साहब तशरीफ फरमाए। सो एक ताली लगा दियो साडा वीर जिसने साडे सिर ते हथ रखिया तो तुहाडे सारे तक पहुँचाया जिन्हां दी बदौलत साडियां टेपां साडे गाणियां नूं तुसीं बहुत प्यार करदे हो जनाब हैप्पी मनीला साहब जोरदार ताली लगा दो प्लीज उन्होंने क्योंकि स्पैशल तौर पर अज इस मेले के तशरीफ फरमा हुए ने साडे नाल हले। सो ज़्यादा गल्लां ना करते हुए परवाना याद हाल मेले दियां मुबारक देंदे हुए हले शुरुआत करते अपने गाणियां तो जिन्हें गाणियों तुम बहुत सारा प्यार बख्शे बहुत सारा मान बख्शे है उम्मीद करना तुम सुनया होगा जो सुनया होगा तो ताली लगा दो ठीक है जी। सब तो पहले साडा गाना आया सी क्योंकि साडी भूआ नूं चिकन खाण का बहुत शौक है
जिसने बोल सी क्या बात है, कमेटी नाल भी आजकल टैन टैन क्या बात है सुल्तान। सब तो पहले एक गाना है सी भूआ साडी मर्जी बकरे दे मीट ते जे सुने तो ताली लगा दो खुल के प्लीज। बहुत मेहरबानी, बहुत ज्यादा मान सत्कार, थैंक यू वेरी मच। उस तो बाद साडा एक गाना चलिया सी कि परातां विच पा लो जी जिन्नी मर्जी खा लो जी दिस पार्टी कड़ी, जे सुने तो तालियां लगा दो, तालियां साडी भूआ बजाऊगी खुल के ताली लगा दे। बुड्ढा भाजी बहुत सारा आशीर्वाद है। बुड्ढी एक गाना सी एक दिन पहला यूट्यूब पर रिलीज किया, उम्मीद है भी थोड़े बहुत लोगों ने सुने होगा। जिदा जैजी साहब का बूट सॉन्ग चलता पाया, साडा सॉन्ग सुनिया किसी ने कि सारी रात भूआ नहीं अख लगती सुपने के विच मेरे भूत आते हैं, सुनिया तो ताली लगा दो खुल के एक बार यार, नहीं सुना तो अच्छे यूट्यूब से ऑनलाइन हो जाओ और यूट्यूब से भूत आते सॉन्ग सुनो। टोच ना गल इस तरह पिछे अनाउंस होया, टोच नहीला तू पिछे चल मैं कला प्रोग्राम शुरू करा, पर तू कला प्रोग्राम शुरू कर नहीं सकता, तू मैनू धमकी देने धमकी है जो मर्जी समझ ला, इन्हें धमकी दी फिर तालियां ने मेरा साथ दे दियो मैं प्रोग्राम शुरू करा, मैं परमिशन मिल गई मैं प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जी। अपने प्यो दा पोते दे शुरू करके दिखा मैं शुरू कर रहे हैं, कुछ देर पहले दी गल है, कुछ देर पहले दी गल है, मैं प्रोग्राम ते गया, मैं प्रोग्राम ते गया, नहीं गया, नहीं गया, तू मेरे पीछे क्यों बोलदा यार, तू मेरे पीछे क्यों बोलदा यार, बहुत वधिया करतार साउंड, बहुत वधिया करतार साउंड, पाजी प्लेन कर दियो, पाजी प्लेन कर दियो, तू मेरे पीछे बोलना, तू मेरे पीछे बोलना, पक्की गल है, पक्की गल है, चल जे है प्यो दा पुत ते हुण बोल, चल ये है प्यो दा पुत ते हुण बोल, चल फिर बोल, चल फिर बोल, मैं बंदर हां, ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਜਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਦੇਖ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਇਦਾਂ ਲਟਕਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਭੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਲੰਬੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ, ਲੋਕੀ ਲੰਬੜ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਕੰਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ, ਦੱਸ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਅੱਧੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅੱਧੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅੱਧੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਅੱਧੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਭੂਆ ਰੱਖੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਭੂਆ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਭੂਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਫੁੱਫੜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਭੂਆ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਘੁਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਇਹਦੀ ਭੂਆ ਨੂੰ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਪੱਖਾ ਚਲਾਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਘੁੰਮੀ ਜਾ। ਉਹ ਟੋਚ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬੂਟਾ ਭਾਈ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੰਟਮੈਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੰਟ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੰਟਮੈਨ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇਰਾ ਬੁੜਾ ਤਾਂ ਸਰਕਸ ਵਾਲੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੁੜਾ ਤਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਡਰਮ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ। यार गल सुन, अजकल हर एक बंदा फेसबुक में जुड़े हुए है, आहो जे कि आन वाले टाइम दे विच मच्छां ते झोटियां दी फेसबुक बन गई फिर की होया करूगा, जे आने वाले टाइम च मच्छां ते झोटियां दी फेसबुक बन गई आहो फिर तो माहौल बड़ा मजेदार होना। ओ किदा, जदो भी किसी झोटे ने मच्छ दी फेसबुक खोलिया करनी है, ठीक है, झोटे ने फिर गीत गाया करना, केड़ा, हरे हरे खेतां विच तैनू पट्ठे चरदी नू फेसबुक ते वेखिया तैनू गोहा करदी नू, ਤੋਜਨਾ ਫਿਰ ਝੋਟਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਲੈ ਝੋਟਾ ਵੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਆਫਰ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਦਿਲ ਘਰੇ ਪੂਛ ਤੇਰੀ ਸੋਨੇ ਚ ਮੜਾ ਦਿਆਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਮੈਂ ਖੋਲ ਤੇਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਨੀ ਝੋਟਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਪਟੋਲਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਿਖਾਈ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਨੀ ਝੋਟਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਪਟੋਲਿਆ। ਤਾਲੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਸਰਦਾਈ ਦਾ ਯਾਮਾ ਸੌਂਗ ਗਾਣਾ ਪਜੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾਊਗਾ, ਜੇ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਯਾਮਾ ਗਾਉਣਾ ਪੈਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਗਾਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ, ਪੱਠੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੀ ਫੀਡ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਦਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਭੁੱਖਾ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਵਾਂ ਕਾ ਤੂੰ ਮੱਝੇ ਨੀ ਦਿਮਾਗ ਤੇਰਾ ਮੋਟਾ ਨੇ ਔਰ ਦੱਸ ਕੀ ਪਾਲਦੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਲੰਬੜਾ ਦਾ ਝੋਟਾ ਨੀ ਔਰ ਦੱਸ ਕੀ ਪਾਲਦੀ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਝੋਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਸਰਦਾਈ ਦਾ ਯਾਮਾ ਸੌਂਗ ਵੀ ਗਾ ਲਿਆ ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਝਾਂ ਝੋਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਬਾਂਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ,
क्या बात है जी। बहुत सारा प्यार बूटा भाजी बहुत सारा प्यार बहुत ही सत्कारयोग बहुत ही आजीज वे वीर बंगा साहब उन्होंने वालों बहुत सारा प्यार बड़ी मेहरबानी है। डेढ़ कापियां हो गई एक कट्टी होर चाहिए बस ठीक है। मनजीत सिंह सोल साहब उन्होंने भी खूबसूरत इनाम बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। आ जा भाई जिम्मे मजे झोटे की गल सुनी है जी। अच्छा थोड़े दिन पहला की गल है उन्ने वाले घूम चले गए ठीक है। मैं उत्थे की वेख्या एक बांदर तो बांदरी जा रहे हैं तुड़े जा रहे हैं बांदरी भी ऐदा दी मेरी पटाका ठीक है। अगे बांदरी दे वीर टक्कर गए बांदरी दे वीर ने बांदर ते हमला करता दी पूछ पट के साइड ते रखती रखती बांदर ने अगे शहरी मान दा गीत गाउणा शुरू करता किवें वीर तेरे कल पै गए पिछे पूछ ते कीते बार नी सुन ऊने वालिए ओ लंडे हो गए यार नी सुन ऊने वालिए और बांदर दी पट्टी हुई पूछ वेख के ठीक है अगो बांदरी ने गाना शुरू करता कि बिना पूछ के है तू बेकार बिना पूछ के है तू बेकार चिपका ले सी ये फेविकॉल से। बहुत मेहरबानी जी। और टोचना कहते तू फिल्मा बहुत बनाई है फिल्मा बनाई है पर उस तो पहले कि जोरदार ताड़ी होनी चाहिए थी पंजाब पुलिस के नाते। क्या बात है पंजाब पुलिस भी पहुंची हुई है। मैं भी दस देना चाहता सी प्रोग्राम तो लेट क्यों पहुंचे हैं जी। असि प्रोग्राम ते आ रहे सी रास्ते च नाका लगा होया सीगा ठीक है। मैं पहले 500 दा नोट कढ़िया। अच्छा मैं हौलदार दे हाथ ते रखता ओहो कहिंदा काका इन्नी जल्दी ता एटीएम जो नहीं निकलदा जिन्नी जल्दी तू कढ़ के फड़ाते आ ओ मैं कहा जनाब एदा ही आ बाबियां दा दसबंध बाद च कढ़ीदा पहला पंजाब पुलिस दा ही कढ़ीदा। और उस तो बाद की होया की एक मुलाजम भज्जा भज्जा आया एक मुलाजम भज्जा भज्जा आया कि कहिंदा जनाब एक खुशखबरी है। ओ कड़ी है कहिंदा आपा दारू दा ट्रक फड़िया कहिंदा जाओ पुत भुजिए दा भी फड़ के लियो। और मैनूं किसी ने पुछ लिया पंजाब पुलिस नूं डीए दा काम करना पै जावे ठीक है ते ग्रुपां दे नाम किदां दे होणगे किदां दे होणगे ग्रुपां दे नाम चाह पाणी एंटरटेनमेंट पीएपी हाई फाई डीजे पटा ग्लासी म्यूजिकल ग्रुप छित्र लाइव शो और चलान पटाका म्यूजिकल ग्रुप। ताली ला दे एक बार खुल के। सो पंजाब पुलिस वालों भी बहुत सारा मान बड़ी मेहरबानी है। कहते तू फिल्म डायरेक्टर बन गया। मैं बढ़िया फिल्म बनाई है। चल तेरी एंट्री करावा मैं। एंट्री कराओ। तेरी एंट्री करा रहा मैं। टैं टैं टैं। ओ इतनी एंट्री होंगी क्यों ऐसा लग रहा जिम्मे बंदर पोलियो का टीका लगा गया। और तू मैनू ये दस फिल्मा केड़ियां बनाइया। मैं बढ़िया फिल्मा बनाइया। केड़ी एक मेरी फिल्म आई सी केड़ी पेंटी मोगे वाली एक मेरी भी आ रही है केड़ी शिंदो कपूर थले वाली एक मेरी फिल्म आई सी कैरी ऑन जट्टा एक मैं भी बना रहा तू कड़ी बना रहा मज ने दिता कट्टा एक मेरी फिल्म आई सी पंजाबियों ते केड़ी के पंजाबी जट हुंदे सूरमे जेड़े सड़कां ते टोए पियो तेरी भूआ ने पूरने मैं भरावा टोए नहीं पूरने। हां तेनू पता अजकल हनी सिंह दा बहुत जोर चल रहा। मैं तो ही गल दस देना चाहुंदा कि जिद्दां अजकल हनी सिंह दा बहुत जोर चलदा पिआ एक साड़ी अपनी कार है कि जे आने वाले टाइम दे विच किते हनी सिंह नूं सब्जी दी रेड़ी लगानी पैजी ते फिर रैप किद्दां बोलिया करूगा जे हनी सिंह नूं सब्जी बेचनी पैजे किद्दां पता किवें बेचूगा सुनो मेरे वीरो मेरा सब्जी दा होका मैं लेके आया प्याज मोटा मोटा लैंदी मंडी विचों भारी के मैं गाजरां दी बोरी बड़ी टेस्टी बना के तुसीं वेखो रम्मा तोरी चटपट विकी जांदी मैं जिथे भी खाणा लाल लाल टमाटर लोकी मंगदे रहिंदे ने नाले करदे उधार नाले संगदे रहिंदे ने टीने शक्ति दे रहिंदे ने स्वाद नाल हां हां ओ माय गॉड हां हां तेनू दे दे मैं पीढ़ी तू तां रहता सही तोल दे मैं करेले कोल खड़े तां सही खीरे मूलियां ते साडे अपने ही खेतिया चको 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 सस्ते ही रेटिया। खुल के ताली लगा दे जो वधिया लग रहे ने टोचना मेरी गल सुन सानू काम चेंज करना पेना थोड़ा जिवें तुसीं मनमोहन वारस जी दा सुनिया पंजाबी विरसा ठीक है और साडा पहली वारी आ रहा जी कॉमेडी विरसा किद्दां दीआं गल्लां उच उच किसे किहो जिहा मैटर आ रहा जी के काले कपड़े पाए हुए ने चिट्टे सीगे धोण वाले इस करके लाए हुए ने और उस विच होर बहुत वधिया चीजां आ की के जिहड़ी खून नाल लिखी उहने चिट्ठी जिहड़ी खून नाल लिखी उहने चिट्ठी शहद नाल मिठी मैं गुस्से विच कल पाड़ती जदों वेखी मैं भई
ਧੀਏ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਝੋਨੇ 'ਚ ਮਸ਼ੂਕ ਮਾਰਤੀ। ਖੁੱਲ ਕੇ ਤਾਲੀ ਲਗਾ ਦੇ, ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਫੋਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ ਕਰਨੀ ਕੀ ਦੋਵੋ ਟੋਚ ਨਹੀਲਾ ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ ਮੇਂ ਆਪਕਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਟਿੰਗ ਟੋਂਗ, ਮੈਰਿਜ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਕ ਡਾਇਲ ਕਰੇ, ਟਿੰਗ ਟੋਂਗ, ਚੁੰਨੀ ਚੜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਬਾਈ, ਜੱਗੇ ਦੀ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਦਬਾਈ, ਦੂਸਰਾ ਖਸਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਦਬਾਈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਫਰ ਆਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾਈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ। ਹੱਲ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਚੱਲ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਦੱਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਸ਼ਮਾ। ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਸ਼ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜਿੱਦਣ ਜੀਜੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਉਦਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਖੁੱਲ ਕੇ ਤਾਲੀ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸ ਦੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਮਨੀਲਾ ਵਾਲਾ ਹੈਪੀ, ਅੱਛਾ, ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਮੀਟ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਤੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਸੋਚਣਾ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪੈਰ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ, ਅੱਛਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਕਰਾ ਬੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਮੋਟਰ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਝਟਕਾਇਆ, ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਧਾ, ਪੈਗ ਸ਼ੈਗ ਲਾਏ, ਉੱਥੇ ਸੌ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸੌ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੀ ਬੱਕਰਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹੀ ਬੱਕਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਖੋਲ ਕੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਝਟਕਾ ਛੱਡਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੀਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬੂਟ ਸੌਂਗ, ਆ ਜਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਸਜਦੀ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬੂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਨ $10 ਦਾ ਇਹਨਾਂ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਮੇਡੀ ਸੌਂਗ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਹਾਂ, ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡਿਆ, ਰੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਖ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮੁੰਡਿਆ, ਹੱਥ ਵੱਧ ਸ਼ਕਲ ਡਰਾਉਣੀ ਉਸਦੀ, ਗਿੱਠ ਲੰਮੀ ਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਜੀਬ ਲਮਕੇ, ਥਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸੀ ਸੀ ਮਰੀ, ਉਹੀ ਪੁੱਤ ਘੁੰਮਦੀ ਚੜੇਲ ਬਣ ਕੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਲੀ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬੋਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆ? ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੈਨ ਭੂਆ ਜੀ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਮ ਭੂਆ ਜੀ, ਸੁੱਤੇ ਪੈ ਦੀ ਮੰਜੀ ਮੇਰੀ ਪੁੱਠੀ ਕਰਤੀ, ਕੱਢਣ ਫਰੇ ਚ ਵਿੱਚੋਂ ਜੂਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭੂਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਖ ਲੱਗਦੀ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭੂਤ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹ ਗਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਗਾਣੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ, ਮੇਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਬੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੂਟਾ ਭਾਜੀ ਬੂਟਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੀਰਥ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਲੀ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਲੀ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ, ਜਿਸ ਵੀਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਸੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਹੈਪੀ ਭਾਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਹੈਪੀ ਮਨੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਤਾਲੀ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਲੀ ਲਗਾ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਲੀ ਸਾਡੇ ਹੈਪੀ ਭਾਜੀ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਕੇ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੇਸੀ ਪੈਂਚਰ ਸਟਾਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੋਲਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਜਗਤਾਰ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸ਼ਾਇਰ
कलाकार अदीप साढ़े ने उन्होंने चरणों में पेंट करेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी जी। अपनी अदावों में कई कुछ कही होती है, अपनी अदावों में बड़ा कुछ कहती है। जोरदार तालियां मार दो जी। ट्यूनिंग हो रही है, उसके बाद जनाब बूटा मोहम्मद जी। साडे कलाकार भी ते साडे मुख सलाहकार भी सलाना बरसी सलाना जोड़ मेला सूफी गायक फकीर ते फनकार रुतवा मिलिया सूफी फनकार मरहूम जगतार परवाना साहब जिन्हां दी याद नूं ताजा कर दे। मैं कह सकदा कि अठौला निवासी इलाका निवासी। सब तो पहला मैं शुक्रगुजार हाँ इस मेले के सरप्रस्त पद्म श्री राज गायक हंस राज जी हंस जिन्हां दी उद्यम दा सदका जिन्हां दी पर उपकारां दा सदका यह जिहड़ा मेला अज 23वां मेला हो रहा है। इस मेले के सरप्रस्त हंस राज जी हंस और ना दी नाल शुक्रगुजार है भावें अज मेले विच हाजरी नहीं उन्हां दी हो सकी जिस्मानी तौर पर मेरे वीर प्रधान साहब जी फतेह सिंह जी सोल साहब और एक बार तालियां बजा दो फतेह सिंह सोल साहब। और साढ़े इस मेले के सरप्रस्त जिन्हों के सिर से असी हमेशा उडारियां मारियां साढ़े पेरेंट्स वर्गे वड्डे भरा सरदार मनजीत सिंह जी सोल साहब सरप्रस्त मैं उन्होंने मुबारकबाद दिना मेले की। और इस मेले के अहदेदारां दे विचों पंजाब पुलिस कमिश्नर साहब के पीए मेरे जिगरी यार और मेरी कह सकते हैं खब्बी बांह अजमेर सिंह जी सोहदा साहब उन्होंने भी तारियां बजा दो इन्हों की बड़ी मेहनत होंगी है। अजमेर सिंह जी सोहदा साहब खब्बी बांह सजी बांह साडे दूरदर्शन जलंधर के मेरे वीर नरेंद्र बंगा साहब जी ये साड़ी सजी बांह है। सो ये पूरे ट्रस्ट जिहड़ा पूरी कमेटी जिहड़ी है सरदार मेरे वीर मंदर सिंह जी
पठौड़ा और जगतार सिंह परवाना जी के भाणजा वीर काला जी और सत्ता समुद्रों तो पार बैठे मेरा छोटा वीर बिडू सोता इटली विच बैठे हैं। उन्हों का फोन कई बार आ गया पर सुनिया नहीं जाता आवाजा ज्यादा नहीं। सो बिडू सोता जी और गुरदयाल भाजी ये दो साढ़े गुरदयाल भाजी ने और साढ़े संगत साहब मैं नजर नहीं आई साढ़े मीडिया इंचार्ज संगत साहब ये साढ़े रीढ़ की हड्डी है और मेरे वीर सुखदेव सिंह जी थानेदार साहब और जिहड़े साढ़े इस मंच के मैंबर ने और बकायदा तौर पर थानेदार भी ने और मेरा वीर रतन हाँ जरा पता लगे भी तुसीं वाकई प्यार करते हैं और उन्हां तो बाद नाल ही जिन्हें खंजरी चलाए खंजर वाला गायक माशा अली जोरदार तालियां बजा दे वो भी पहुंच गए हैं और अजे सिलेंडर आपो अपने बचा के रखियो को होर सिलेंडर ना हुण काम खराब हो जाए क्योंकि आ पहली बारी होया 23वां मेला आ गया ते सिलेंडर तो भाई थोड़ा इन्हां नूं परहेज ही रखियो थोड़ा दूर ही करियो। सो मैं बहुत बहुत धन्यवादी हाँ साडा पूरा परिवार बैठा अठौले विच असीं गाउण वाले बन के नहीं आए मेरे ख्याल एक दो वारी आया सी मैं सो साहब एक दो वारी आया सी उस तो बाद पद्म श्री राज गायक हंसराज जी हंस वो कहिंदे खान साहब इतने जो भी आना हूँ सेवादार बन के आना कलाकार बन के नहीं आना। सपरा साहब जसपाल धालीवाल साहब ते लिंबर धालीवाल साहब तशरीफ लेके आए हैं मैं जी आया कहना सपरा साहब और बहुत ही अच्छे बोलों के मालिक मेरा छोटा वीर जिहड़े गायक भी ने और स्टेज एंकरिंग करते हैं बहुत खूबसूरत कुलदीप चुंबर साहब मैं उन्होंने भी मुबारकबाद दिना बहुत बहुत मेहरबानी। सो मैं तुम्हें भी मोर साई जी साई सबनी थाई राणा साई हाँ जी सरदार सुखदेव सिंह जी फौजी सरदार लो जी मैं हाजरी देवा क्योंकि कलाकारों की लिस्ट अजे बड़ी है और वेलगे तो साढ़े बड़े भाई साहब बिलगे तो स्पेशल इस प्रोग्राम वास्ते सूफियाना अंदाज पेश करने वास्ते तशरीफ लेके आए मेरे बड़े भाई साहब मैं उन्होंने जी हाँ कहना। सो सब तो पहला Thank you.